वालों के लिए उनके घर से आई हैं चिट्ठियां, पर यहां पर भी था बजर का ट्विस्ट। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दसवां हफ्ता चल रहा है और बिग बॉस चाहते हैं कि सब लोगों के घर से जो है चिट्ठियां मंगवाई जाए। ये हर सीजन में जो है देखने के लिए मिलता है, चिट्ठियां मंगवाई जाती है या गिफ्ट मंगवाए जाते हैं या घर वाले खुद मिलने के लिए आते हैं, फैमिली वीक भी होता है। तो यहां पर भी काफी हफ्ते जो है घर वालों को अपने घर वालों से दूर हुए हो गया है। तो यहां पर जो है एक्टिविटी एरिया में पूरी चिट्ठियों का मतलब एक लाइब्रेरी सा जो है वो बना दिया गया है, जहां पर निमृत को उनके मम्मी पापा ने चिट्ठियां जो है वो भेज दी है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और इस दौरान ही ये एक्टिविटी होने से पहले भी जो है बजर का बहुत बड़ा एक ट्विस्ट था, जहां पर जिसने बजर बजाया है उसके हाथ में एक विशेष अधिकार तो जाना ही था। हालांकि किसने बजर बजाया है मैं कुछ ही देर में आप लोगों को अपनी वीडियोस के जरिए उसके बारे में बता दूंगी, क्योंकि पहले मेरी वीडियो जो है कि दोनों बजर जो है सौंदर्या ने बजाए हैं, एपिसोड से पहले ही मैंने आप तक वो जानकारी पहुंचा दी थी। इसी बीच में जो है बजर बजाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि विशेष अधिकार ये मिला होगा उस कैप्टन को जिसने बजर बजाया है कि वो बताएगा कि आखिरकार किसको चिट्ठियां मिलनी चाहिए और किसको नहीं। ये कुछ ही लोगों को चिट्ठियां मिली हैं और यहाँ आप लोग सोचते होंगे कि हाँ भाई प्रियंका को या सुम्बुल को मिलेगी चिट्ठियां, हो भी सकता है कि हाँ भाई उनको भी मिले, पर कुछ लोगों को घर से आई हुई उनके घर द्वारा लिखी गई चिट्ठियां जो है नहीं मिल पाई हैं। कुछ लोग जो है काफी ज्यादा रोते हुए नजर आए हैं घर में, जो कि आप लोग आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। पर क्या आप लोगों को लगता है कि अंकित, प्रियंका, सुम्बुल या किसी और को चिट्ठियां मिलनी चाहिए? किन किन को चिट्ठियां मिलनी चाहिए जो कि उनके घर वालों ने भेजी हैं? हमें उनके नाम, उन कंटेस्टेंट के नाम जरूर बताइए सोच समझ के। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।